नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिवाकर रावत आपके साथ। खबर जिला बस्ती से। जी हां, आपको बता दें, बस्ती में किसान यूनियन का दो दिन से चल रहा है धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, कल रात किसान यूनियन के बहुत से जवान एक साथ बस्ती स्टेशन पहुंचे और उन लोगों ने दिल में ठान लिया कि हम सभी किसान यूनियन को दिल्ली जाना है, मगर प्रशासन ने उनको रोक लिया। किसान यूनियन के सभी जवान तहसील सदर जिला बस्ती में दो दिन से दे रहे धरना प्रदर्शन और कह रहे, चाहे तो हमको जेल भेजो या हमको दिल्ली जाने वाली रेल पर बैठा कर भेजो। किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष दीवान चल पटेल और उनके साथ किसान यूनियन के कई जवान और औरतें भी धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। आइए देखते हैं वारिस अली की एक रिपोर्ट में। प्रमाणित खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। लेकिन प्रशासन द्वारा रोका गया है, क्या असुविधा हुई और क्या दिक्कत है आपको? सरकार की मंशा है कि किसानों की आवाज़ को दबाई जाए, इसलिए है जवानों को हमारे आगे खड़ा कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली में जो है आज 40 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर हर बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं उनके समर्थन में। क्योंकि यह जो है पूरे किसानों की स्थिति जो इस जो तीनों बिल जो है लागू किया जा रहा है, इसे आम किसान पर जो है इसका वो भुगतभोगी होना पड़ेगा। इसलिए हर किसान की जिम्मेदारी है कि इसको मिल करके लड़ें। इसी के समर्थन में हम लोग दिल्ली जा रहे थे, जिसमें प्रशासन जो है हमारे आगे जो है जवानों को खड़ा करके रोकने का काम किया और हम लोग को जो है यहाँ से जो है पुलिस लाइन ले जाया गया और वहाँ से उठा करके यहाँ पर लाया गया। जब तक हम लोग की मांगे जो है हमारे वहाँ पर नेता लोग बारम्बार वार्ता जो सरकार से चल रही है और पूर्ण रूप से जो है हमारे किसान जो विरोधी बिल है उसको वापस नहीं लिया जा रहा है, किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया जाता या हमारे फसल की गारंटी जो है नहीं की जाती कि जो आज किसान मजबूर होकर 11 रुपये में धान बेच रहा है। तब तक जो है हमारा यह कार्यक्रम चालू रहेगा। अगर हमारा प्रशासन नहीं जाने देगी तो हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और गाँव स्तर तक जो है प्रचार प्रसार करके प्रमुख मांगे क्या क्या हैं आपकी? प्रमुख मांगे हैं कि जो तीन किसान विरोधी बिल है इसको वापस लिया जाए और जो फसल का मूल्य है समर्थन मूल्य को गारंटी दिया जाए, कि उससे कम की खरीदारी पर अपराध माना जाए। किसान यूनियन जो संघ है देश हित के लिए जा रहा था दिल्ली और रेलवे स्टेशन पे रोका गया है। पूरी रात उनको पुलिस लाइन में बैठाया गया। प्रशासन द्वारा क्या रवैया अपनाया गया लोगों के साथ? देखिए, प्रशासन द्वारा रवैया जबरिया रोकने का था, लेकिन बल प्रयोग या आप शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया और इनकी मंशा ये थी कि इन्हें रोक दिया जाए और रोक के फिर इन्हें डिस्पर्स कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ऑन रिकॉर्ड न लाया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश की बार बार ये कुप्रचार कर रही है कि जो किसान हैं धरने पे आंदोलन में वो नकली किसान हैं, असली किसान तो खेतों में। इसलिए ये जो असली किसान या भारतीय किसान यूनियन के साथी कल जा रहे थे दिल्ली आंदोलन में हिस्सेदारी करने, उन्हें रोका, डिटेन किया, बाधित किया, ले गए पुलिस लाइन, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं लाना चाहते, जिसको लेके बाकियों के साथियों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, या तो आप हमें जेल भेजिए या हमें रेल से जाने की इजाज़त दीजिए। अंततः पुलिस लाइन में 12 बजे तक रखा उन्होंने, बाकियों के पेशा पे साथियों के कहने पे फिर तहसील परिसर में उन्होंने गद्दा रजाई का इंतजाम किया, भोजन का इंतजाम किया और सुबह से बाकियों इसी सवाल को लेकर धरना दे रही है कि या तो हमें जेल भेजिए या हमें दिल्ली जाने की इजाज़त दीजिए। आगे आप ही कहते हैं, आगे आप क्या करें? आगे देखिए, आगे की तैयारी जो 500 से ज़्यादा किसान संगठन जुड़े, 40 बड़े किसान संगठनों के नेताओं की कोर टीम बनी है, वो कोर टीम सरकार के संपर्क में है। कई चरणों में वार्ता हुई है, वार्ता में कुछ प्रगति हुई है, आज भी वार्ता तय है। तो कोर टीम जो निर्णय लेगी केंद्रीय कमेटी, उससे जुड़े सारे संगठन, किसान सभा हमारी हो चाहे भाकी हो चाहे और संगठन, हम उसके अनुरूप कार्यक्रम आगे ले जाएंगे।